अरे अपना नाम बताइएगा ना। अजीत प्रताप सिंह। अजीत प्रताप सिंह जी, बड़ी देर से मुखिया धर्म का पालन किया, एक साल हो गया। बताना चाहूँगा आप बाद में बोलिएगा, बाद में बोलिएगा। पहले कॉर्पोरेट प्रेशर था, कॉर्पोरेट का प्रेशर ज्यादा है। ठीक ठीक है, ठीक है, आराम से। सिर्फ मुखिया धर्म का पालन करने के लिए वो किसान हितैषी बिल था, साल हो गया, एक साल, एक साल उनके अकड़ पे हो गया। उनकी अकड़ जो थी, देश विरोधी जो अकड़ थी, उसमें जो खालिस्तानी थे, जो आतंकवादी टाइप के लोग तो थे, अभी जो भी, अभी भी खालिस्तानी पाकिस्तानी आंदोलन जीवी परजीवी एकदम सत्य है। मुखिया धर्म क्या है? ये तो गांव गांव वाले लोग हैं। मुखिया धर्म है क्या? माफी मांगना मतलब परिवार में अगर कोई मुखिया, अगर कोई निर्णय लेता है और घर में कोई रोष है थोड़ा बहुत भी, उस रोष को रोकने के लिए, उस रोष को रोकने के लिए, परिवार में व्यवस्था कायम करने के लिए, समस्त परिवार को एकजुट रखने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगते हुए कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन सी माफी? अरे हम अपने परिवार से अगर माफी मांगते हैं तो बड़ा बनते हैं। अभी आपने कहा कि हम अगर अपने परिवार के लोगों से माफी मांग ले तो व्यक्ति बड़ा होता, यही कहा ना? निश्चित रूप से, निश्चित रूप। प्रधानमंत्री जी बड़े हुए, मतलब माफी मांग। अरे हमेशा बड़े थे, हमेशा बड़े रहेंगे, उनकी सोच बड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने माफी किससे मांगी? आंदोलन जीवी से, परजीवी से, खालिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से या मवालियों से? नहीं नहीं नहीं, सुनिए हमारी बात। उसमें कुछ हमारे परिवार के लोग जो दिग्भ्रमित होके उनको बहला फुसला के आंदोलन में ले गए थे, उनको सांत्वना देने के लिए मोदी जी ने यह कानून बिल वापस लिया है, और बाद में समझा बुझा के यह कानून फिर लाया जाएगा, उसको उसके लिए रिफाई करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, तीनों कानून वापस लेने का फैसला सरकार ने कर लिया है, क्या सरकार चुनावों से डर रही है? चुनाव को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी, या उनका दिल पसीजा कहिए एक तरह से, दूसरे भाषा में मैं कहूँगा कि वो डर गए, पसीजा। और उन्होंने जो है अपना कृषि कानून वापस लिए, जो बिल उन्होंने कहा था, और हठधर्मिता अपना रहे थे 10 महीने से, 600 से 700 किसान जो है उनका निधन हो गया या मृत्यु हो गई, और वो जो है तब तक उनका दिल नहीं पसीजा। और अब जो है पंजाब में चुनाव होने जा रहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा, तो आयन मौके पे उन्होंने ये बिल वापस करने का। लाल जी, एक चीज ठीक हो गई कि परजीवी, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, इन तमाम पदवियों से जो किसानों से, जो किसान कभी नहीं थे, तो अब किसान किसान है, उनको उनकी पदवी मिल गई, इस बात की बधाई। जितने लोगों ने ये कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और वो अफसोस कर रहे होंगे, और देश के प्रधानमंत्री स्वयं अफसोस अब कर रहे हैं, कारण कि मुझे ये पता ही नहीं था, यानी उनको ये नहीं पता था कि किसान कितने जुझारू हैं, जबकि किसान इतने जुझारू हैं कि आप जब तक सरकार चलाते तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहते। अर्ज है, फूलों के बागों में हम नई नई कलियों का इंतजार करते हैं, फूलों के बागों में हम नई नई कलियों का इंतजार करते हैं। आदरणीय एवं सम्मानीय पूजनीय प्रज्ञा मिश्रा को सबसे पहले हम सलाम करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदरणीय प्रज्ञा मिश्रा हमेशा सच्चाई को दिखाती हैं। भारत एक किसी प्रधान देश है, ये जो सरकार ने अब फैसला किया, सबसे पहले कोई धरना प्रदर्शन करता है, एक दिन होता है, दो दिन होता है, यहाँ तो 8-9 महीने के बाद, एक साल के बाद, मतलब किसानों के पक्ष में फैसला आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सरकार को महंगाई भी कम करनी चाहिए, किसानों के पक्ष में जो फैसला दिया है वो लिखित दें, ऐसे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। मैडम मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अराउंड द अर्थ, इस अर्थ के ऊपर इस मुद्दे को लेके इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इवन कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, मतलब कौन ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं है, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व, सभी इन्वॉल्व थे। और मैं सबसे ज्यादा अपने पंजाबी भाइयों को शुक्रिया करूंगा कि उनकी जो लोहे की चोट रही उसने सरकार की नींव हिला के रख दी, और ऐसे ही क्रांतिकारियों की जरूरत है इस देश में, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वी नॉट डिफेंडेड एनी पॉलिटिकल पार्टी। किसानों को आतंकवादी कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, उनको आईएस से जोड़ा गया, उनको सब कुछ देखा गया। टूलकिट भूल गए क्या? टूलकिट का
लाल किला सब आ गया, वो तो यूपी के सर यूपी की गद्दी हिल रही है, तो अब क्षमा उससे फायदा क्या है। दोस्तों इस समय नवंबर के महीने में आईसीआईसीआई T20 वर्ल्ड कप जैसे बहुत सारे क्रिकेट गेम चल रहे हैं, फुटबॉल में भी चैंपियन लीग जैसे इंटरेस्टिंग इवेंट है। 1xBet पर आप गेम खेलकर आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में मौजूद मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट डिपॉजिट पर 13,000 रुपए मिल जाएंगे। पैसे आप आसान बैंकिंग माध्यम से निकाल सकते हैं। किसी भी गेम में हार जीत का जोखिम रहता है, इसका ध्यान जरूर रखिए। आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी से हैं? नहीं नहीं, देखिए सबसे पहले एक मिनट, बस नहीं है, टोपी है, टोपी है, टोपी है, देखिए है, हूँ समाजवादी हूँ। एक मिनट, एक मिनट, वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, यही। अरे रुकिए भाई, डिस्टर्ब कर रहे हैं, यही देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं कि सारा देश बेच के खा गए, अब क्या बचा। अरे अभी क्या कुंभकर्ण की नींद ले रहे थे, अभी तक किसान नहीं नजर नहीं आ रहे थे, अब किसानों की तुम्हें याद आई है, जब चुनाव आ रहा है तब किसानों की नींद आई है। ना पूछ जमाने से, ना पूछ जमाने से क्या मेरी कहानी है, अरे मेरी पहचान बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, मेरी पहचान बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हम सब नौजवानों को पकौड़ा तलाएंगे, हाथ में कटोरा देंगे, यही नीति है इनकी। अरे इनको कब समझ में आएगी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको कब सोच आएगी। समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी, एक मिनट, गुस्सा हो जाएंगे, बगल में खड़े हो, एक मिनट, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये प्रूफ दिखा दे कि हम लोकसभा से लगा के रोड पर तक कहां धरना दिया है। ये अगर किसानों को लेकर, अगर किसान, हाँ किसानों को लेकर, अगर किसानों से ये बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी के दलालों से और चाटुकारों से पूछिए कि मतलब रोड से लगा के और सदन तक कहां इन्होंने विरोध किया, दिया किसानों के लिए, देर से बोले, देखिए किसानों के लिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, किसानों के लिए, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, बस आपके बात, आपके बात खत्म होगी, किसानों के लिए, किसानों के लिए समाजवादी पार्टी के लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें एक जीता जागता गवाह है कि हम लोगों को इस उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने जेल में ले जाके ठूस दिया था, यही सरकार है। जीता जागता गवाह, देखिए ये, देखिए देखिए ये, देखिए धरना, ये धरना देखिए, हम लोगों की गिरफ्तारी, हम लोगों को सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में ठूसा था, ये निकम्मी जाओ। अच्छा सुनिए, सरकार ने तीनों कानून वापस लेने का फैसला कर दिया है, अब इस बात के बाद भाई साहब, तीनों फैसले, तीनों कानून वापस लेने वाली बात के बाद अब चुनाव में क्या असर पड़ेगा बताइए 2022 में, बताओ क्या असर पड़ेगा भाई। ये सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, इसके बारे में ये कहा जाए कि हम ही को कत्ल, क्या कहा जाए, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं, वो शरीफ है नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत की संसद में जिन किसानों के आंदोलन को आंदोलनजीवी कहते थे, जिन किसानों को आंदोलनजीवी कहते थे, किसानों के आंदोलन से घबराकर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो रथ यात्रा पूर्वांचल, तो आप समाजवादी पार्टी के लोग भी तो चिलम जीवी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, जो रथ यात्रा, जो रथ यात्रा पूर्वांचल, अगर आंदोलनजीवी गलत है तो चिलम जीवी भी तो गलत।